स्टाइलिश स्टार और बनी के नाम से मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक और सीक्रेट सामने आया है और वो है उनका फेवरेट नंबर। गाइस, अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है 666। अब ये नंबर भी कोई आम नंबर नहीं है, इसे डेविल्स नंबर कहा जाता है। अब स्टार खास है तो नंबर तो खास होगा ही। अब अल्लू अर्जुन का ये फेवरेट नंबर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 से एंड होता है और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में भी आपको 666 देखने को मिल जाएगा। 2017 में अल्लू अर्जुन ने एक मर्सिडीज खरीदी थी, उसका नंबर भी 666 ही था, जिसकी नंबर प्लेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा था 666 द नंबर ऑफ बीस्ट। कुछ लोग इसे शैतान का नंबर मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल है। गाइस, क्या आपको अल्लू अर्जुन का ये सीक्रेट पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। यंग एज में अट्रैक्शन बड़ी आम बात है, लेकिन कौन किससे जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस साइकोलॉजी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो लड़कियां ज्यादा मुस्कुराती हैं या जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है, ऐसी लड़कियों से लड़के ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जो लड़के कम स्माइल करते हैं, ऐसे लड़कों से लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। नंबर दो, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो या जिसके टूवर्ड्स आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो, अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा तो आपका अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड नंबर थ्री, भारी और गहरी आवाज वाले लड़के लड़कियों को अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। गाइज, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर दो, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर थ्री, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइज, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखें। आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी, इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइज? पर गाइज, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूँ। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा, है ना अमेजिंग फैक्ट। हे गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया, सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइज, इससे ये समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है, लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइज, हम्बल रहिए हमेशा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।